दादी जान। दादी जान, आज आप हमें कोई अच्छी सी कहानी सुनाएं। अरे बेटा, पहले स्कूल का काम खत्म करो, फिर सुनाऊंगी। दादी, वो तो हमने कब का खत्म कर लिया। शाबाश बेटा, अच्छा ठीक है, सुनाती हूँ। बच्चों, एक दफा का जिक्र है कि प्यारी सी लड़की बिल्कुल तुम्हारी तरह और उसका छोटा भाई परियों के नगर में सैर को निकले। वहाँ पहुँचे ही थे कि उन्हें खूबसूरत सी परी मिल गई। ये परिस्थान कितना प्यारा है ना। ना है अर्श, ना है फर्श, क्या है गर्स बताओ प्यारी परी। बादल नगर परियों का घर, जहाँ है ऐसा जीना, खुश रहो प्यारी मीना। बच्चों की प्यारी परी, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तुम कितनी अच्छी हो मीना, मदद तो मुझे चाहिए पर सब बच्चों की। क्या तुम इन बच्चों से कहोगी कि कटी पतंग पकड़ने के लिए सड़कों और छतों पे मत भागें, क्योंकि पतंग के पीछे भागने से सड़क पर गिर के चोट लग सकती है और हादसा हो सकता है। जी बिल्कुल, मैं जमीन पे जाकर इन बच्चों को यही पैगाम पहुंचा दूंगी। अरे अरे दुम तारे, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो, लगता है तुम्हारे दुम पे आग लग गई हो। मेरा नाम ठंडी परी है और मैं लोगों को आग से बचाने के तरीके बताती हूँ। जैसे कि अगर आग लग जाए तो जमीन पर लेटकर बल खाएं ताकि आग बुझ जाए। अगर किसी के कपड़ों पर आग लग जाए तो इस पर कंबल डालें और जल्दी से मदद के लिए पुकारें। और हाँ, याद रहे, अगर जिस्म का कोई भी हिस्सा जल जाए तो इस पर ठंडा पानी जरूर डालें और डॉक्टर को दिखाएं। प्यारी परी, ऐसा भी तो होता है कि आग की वजह से कमरे में धुआं भर जाए, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। हाँ, अगर ऐसा हो तो अपना सर बिल्कुल जमीन की सतह पर नीचे रख लो और मुंह पर कपड़ा ढांप लो ताकि धुएं से बच सको। ऐसा करने से बेहोश होने का खतरा टल जाता है। लो, अब तो तुम लोगों को पता चल ही गया होगा कि मेरी दुम पर आग नहीं लग सकती, क्योंकि मैं तो हूँ ही ठंडी परी। मैं मीना हूँ प्यारी बिजली परी। मैं और राजू ये जानने के लिए आए हैं कि घर के इस्तेमाल की बिजली किस तरह नुकसानदेह हो सकती है। प्यारे बच्चों, बिजली से बचना बहुत ही आसान है। ढीले प्लगों से होशियार रहें और इन्हें जबरदस्ती ना लगाएं। अगर हाथ गीले हों तो बिजली की तारों और आलात से दूर रहें और इन्हें हाथ ना लगाएं। कभी भी बिजली की तारों पर नंगे पांव मत चलें। घर में रबड़ के जूतियां पहनकर बिजली की चीजों को इस्तेमाल करें। छोटे बच्चों को बिजली के सॉकेट से दूर रखें ताकि वो उनमें उंगली ना डाल सकें। देखा राजू, बिजली से बचना कितना आसान है। बच्चों, अच्छी लगी ना परियों की कहानी। जी हाँ प्यारी दादी। अब तुम दोनों हमेशा इन बातों को याद रखना और अपने दोस्तों को भी बताना, ताकि मुश्किल में तुम सब इससे फायदा हासिल कर सको। चलो बच्चों, जाओ खेलो, लेकिन शाम से पहले घर वापस आ जाना। मीना मीना मीना, कहाँ हो तुम? क्या हुआ इमरान, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तुम्हारा खिलौने वाला घोड़ा नहर के पास डूब गया। ओहो, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कल खेलने के बाद अपना खिलौना नहर के किनारे भूल आई। चलो इमरान, मुझे इसी वक्त वहाँ जाना है। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो चलो। ठहरो इमरान, वहाँ पर तो लंबी घास है, जहरीले सांप और कीड़े मकौड़ों का भी खतरा हो सकता है। मैं जल्दी से अपने बंद जूते पहन लूँ और हाँ, छड़ी भी ले लेती हूँ। रुको बच्चो, पानी से दूर रहो। नहर का पानी गहरा होता है और इसमें डूबने का खतरा भी हो सकता है। मछेरे चाचा, मेरा खिलौना डूब गया है, मुझे मेरा खिलौना वापस चाहिए। देखो बच्चों, पानी के करीब जाने से डूबने का खतरा होता है, इसीलिए किसी को बचाने के लिए बड़ों की मदद लेनी चाहिए। ये देखो हवा वाली ट्यूब,
ये तैरने के काम भी आती है। मैं ये ट्यूब पहन कर पानी में उतरता हूँ और कोशिश करता हूँ कि खिलौना मिल जाए। ये देखो बच्चों, खिलौना मिल गया। अरे वाह, मेरा खिलौना मिल गया। शुक्रिया मछेरे चाचा, आपने मेरा खिलौना बचा लिया। और अब हम इन सब बातों का बहुत ख्याल रखेंगे। बच्चों, एक बात कहना चाहता हूँ। गांव के बड़ों को कहना कि गांव की हर नहर और नदी जहाँ पानी गहरा हो वहाँ किनारों पर बाड़ लगा दें, ताकि पानी में गिरकर डूबने से बचा जा सके। खुदा हाफिज मछेरे चाचा, हम हमेशा आपकी बताई हुई अहम बातों का ख्याल रखेंगे।